कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के बंगाली मार्केट और जामा मस्जिद गए और वहां उन्होंने गोलगप्पे, आलू टिक्की और आइसक्रीम का आनंद लिया। दरअसल राहुल गांधी पिछले दो दिनों से कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां उन्हें काफ़ी रिस्पांस मिला और ख़ासकर वो उसी कोलार में रैली कर रहे थे जहां उन्होंने मोदी को चोर कहा और उस आधार पर उन्हें सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा दे दी है। उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई और मकान भी खाली करना पड़ा। तो राहुल गांधी की जब से लोकसभा सदस्यता गई है तब से वह ज़्यादा रिलैक्स दिख रहे हैं और लोगों के बीच भी जा रहे हैं और भाषणों में भी उनकी ज़्यादा आक्रामकता है। तो आज के गोलगप्पे उन्होंने बहुत ही रिलैक्स होने के लिए